भाई अभी तक तो आईपीएल ऑक्शंस में बिडिंग हुआ करती थी प्लेयर्स की, ये ऑनर्स ने छेड़ना कब से शुरू कर दिया। सीएसके के अंकल प्रीति जिंटा को देख के रुक नहीं पाए और इन्हीं सब हरकतों के कारण प्रीति जिंटा बेचारी डिस्ट्रैक्ट हो गई। उसने गलत ही प्लेयर बाय कर लिया, शशांक सिंह 19 साल वाले की जगह शशांक सिंह 32 साल वाले खरीद लिए। वुमेन ये सीएसके ऐसे ही जीतती है मित्रों आईपीएल। सीएसके के अंकल जी उधर से आंख मारते हैं और इधर से दूसरी टीम के ऑनर एबीडी विलियर्स की जगह टेम्बा बाउमा को बाय कर लेते हैं गलती से। देखो देव मिल गया। ये आंख मार और छेड़ाछाड़ी वाला वीडियो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, यही नहीं इनफैक्ट भाई पूरा आईपीएल ऑक्शन कवर किया था, कुछ मिस हो गया हो तो टेलीग्राम पर तनय 100 डाल देना आ जाएगा। आईपीएल में जो असली स्वैग में बाबा जी आए थे वो थे हमारे आशु भैया आशीष नेहरा। ये चश्मा ऐसा उल्टा लगा के भाई फुल स्वैग में पूरा टेम्परेचर बढ़ा दिया था रूम का अपनी हॉटनेस से। वैसे यार आरसीबी वालों के लिए एक बार फिर से तालियां बजनी चाहिए मित्रों, क्योंकि जैसे ही हेजलवुड का नाम आया ऑक्शन में आरसीबी मैनेजमेंट ने ऐसे करके हाथ जोड़ लिए, हम तो अल्जारी जोसेफ को लेंगे ना 11.5 करोड़ में। नहीं मतलब कोई मर्सिडीज बेच के मारुति 800 लेना कोई इनसे सीखे। अब स्पोर्ट्स कार की बात हो रही है तो ऋषभ पंत भी आए हुए थे आईपीएल ऑक्शन में दूसरे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने स्पाइडरमैन गाकर। और हमारे फेवरेट ऑनर ये नहीं, हाँ ये 50 लाख के प्लेयर को 5 करोड़ का बनाने आ गए थे। काव्या जी टीम में केवल 4 ओवरसीज प्लेयर को ही खिला सकते हैं, आपने ये जो पूरी बारात बनाई है फॉरेन प्लेयर्स को लेके क्या कीजिएगा इनका, वर्ल्ड 11 की टीम बनानी है आपने। विटोरी भाई आप तो पास में बैठे थे, आप ही बता देते कुछ। हर साल एक कतई महंगा प्लेयर खरीद के काव्या जी अपनी अमीरी दिखाई देती है। लास्ट टाइम हैरी ब्रुक्स, इस बार पैट कमिंस को 20 करोड़ का। बहुत पैसे है मेरे पास गरीबों। ट्रेविस हेड को भी खरीद लिया 6 करोड़ में। साले हेड, मेरा मतलब है साले मेरे हेड भाई, उस दिन 19 नवंबर को भी बिक जाता ऐसे ही जैसे 19 दिसंबर को बिका। ऑस्ट्रेलिया वाले हरामी लोग वर्ल्ड कप भी ले गए, पैसा भी ले गए हमारे कच्चे सूखे बालकनी में, वो भी ले जाओ बस वही बचा है हमारे पास। मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस को तो इन्होंने सच में ऐसा खरीदा है ना, वो दोनों मिलके एलन मस्क को फोन कर रहे हैं, हाँ भाई दूसरे प्लेनेट पे जाने का मन हो तो बताना यार, फंडिंग तुम्हारे भाई कर देंगे। उधर मिचेल जॉनसन ब्रेटली वगैरह सब अपने रिटायरमेंट से वापस आ रहे हैं आईपीएल में ऑस्ट्रेलियन बॉलर का ऑक्शन देख के। और भाई गरीबो कैसे हो, तुम्हारे भाई स्टार्क ने एक आइलैंड खरीद लिया है, वहीं पे कराएगा अपनी बिग बैश लीग, कोई भी प्लेयर पैदल नहीं आएगा, सारे प्राइवेट जेट से आएंगे। ये भाई लग भी इतना खुश रहा था, बाद में इसने हिंदी बंगाली अगले ही 10 मिनट में पूरी सीख डाली। वहां ऑस्ट्रेलिया में टेरिस पे चढ़ के जोर जोर से चिल्ला रहा, कोर बोलो और वो जीत बोले, कोर बोलो और वो जीत बोले, आपसे सब बंगाली में बात करेंगे कोई इंग्लिश नहीं बोलेगा। इसको क्या पता था भाई ऐसे सीन होते हैं आईपीएल में, वरना हर साल आईपीएल खेलता। पर यार भाईयो आईपीएल ऑक्शन में वो जो ऑक्शनियर अंकल थे ना लास्ट टाइम जो बेचारे गिर पड़े थे यार, वो बड़े मजेदार थे। वो जैसी बिडिंग करवाते थे ना 220 सोल्ड भाई, वो मतलब बिडिंग का मजा आता था यार, उसमें अलग ही फील था। ये दीदी ने तो माहौल इतना ठंडा कर दिया, इतनी वार्निंग दी है। लास्ट वार्निंग प्लेयर बिक रहा है, लास्ट वार्निंग फिर प्लेयर बिक जाएगा, मुझे मत बोलना हो के कट्टी, वो अंकल की बात अलग थी यार। हर्षल पटेल को भी जिस हिसाब से प्रीति जिंटा ने स्माइल कर करके खरीदा ना भाई, मैं तो फ्री में बिक जाता, मैं बाकी ऑनर्स के वो बिडिंग वाले डंडे ना वो खुद हाथ से जाके नीचे कर देता कि मेरे को उसी की टीम में जाना भाई। अच्छा स्पिनर ले लिया ना प्रीति जिंटा ने 10-12 करोड़ में। बेचारे रचिन रविंद्र को इतनी हाई होप्स दी थी कि तुम्हारा 10 करोड़ तो डन है भाई, अरे वर्ल्ड कप में इतनी सेंचुरीज जो मारी है तुमने, ऑलराउंडर हो भाई। और लास्ट में 1.8 करोड़ में सीएसके ने क्या मस्त बाय किया है। उधर स्पेंसर को 10 करोड़ दे दी, अबे स्पेंसर है कौन, मनप्रीत गोनी ही तो है ये। अल्जारी जोसेफ को 11.5 करोड़ मिलते ही उसी शाम उसने खेलने से मना कर दिया वेस्ट इंडीज से कि मैं को नहीं खेलना भाई तुम लोगों के साथ, गरीब हो बदबू आती तुम में से, छी घिस घिस के नहाना पड़ा तब कहीं बदबू गई मेरे बदन से गरीबी की। टेरी मिचेल हमेशा इंडियन टीम को पेल देता था, उसी चीज का फायदा मिला इसको इस आईपीएल में। 2023 में अनसोल्ड गए थे भाई, 2024 में 14 करोड़ में बिके हैं, 2 साल का पैसा एक ही बार में वसूल लिया। सबसे फनी चीज हुई रोसू के साथ भाई, पहले राउंड में तो अनसोल्ड गए और दूसरे राउंड में बिके 8 करोड़ में, ये क्या था भाई सीधे अनसोल्ड से 8 करोड़।
चेन्नई सुपर किंग्स क्यों बोलते हो? न्यूजीलैंड क्यों नहीं घोषित कर देते? जब से माही भाई को वर्ल्ड कप में रनआउट किया है ना, सीएसके ने सारे कीवीज भर लिए। मैच के पहले तुम्हें कोड़े जरूर लगाएंगे। अगर हेड की एज 29 ईयर्स थी, 30 प्लस होती तो स्क्वाड में होता। सीएसके के भी कुछ रूल्स हैं, परंपरा प्रतिष्ठा है। टेम्बा बहुमा, कोई मुझे भी आईपीएल में ले लो, मैं कौन सा आतंकवादी हूँ यार? टेम्बा बहुमा आईपीएल में होता भाई साहब, मीम्स की कमी नहीं होती। अभी भी किसी टीम को एक कैप्टन चाहिए हो, सुपर कैप्टन चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट टेम्बा बहुमा। क्वेटजे 5 करोड़, अल्जारी जोसेफ 12। भाई साहब ये क्यों, ये क्या आरसीबी का मैनेजमेंट, क्या दिमाग लगाया है भाई साहब, डबल प्राइस मिल गया है उसको। स्त्री हमेशा से ही महंगा प्रोडक्ट खरीदती है, या कह सकते हैं सस्ते को महंगा करके खरीदती है। इतने पैसों में तो दोनों भाई मिलके पीएसएल खरीद लेंगे। दोनों भाई मिलके, भाई तुम लोग अलग अलग भी पीएसएल खरीद सकते हो और उसको खरीद के कहीं और आईलैंड पे भी करवा सकते हो, दोनों भाई मिलके। वॉट अ ईयर फॉर पैट कमिंस, वॉन वर्ल्ड कप, वॉट हाईएस्ट एवर 20.5 करोड़ एज अ फीस, स्टार्क से पहले की बात है। और थर्ड ही टीम ऑनर is gonna be Kavya. ये मेन पॉइंट है, ये बिगेस्ट अचीवमेंट है पैट कमिंस का। फैंस, इंडियंस आर अननेसेसरीली पेइंग ह्यूज सम्स टू ऑस्ट्रेलियन धवन, ये तो कुछ भी नहीं है। जिसको भी भाई मीम समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिसको समझ भी नहीं आया है कोई बात नहीं भाई। एसआरएच ओवरसीज प्लेयर फॉर आईपीएल 2024, एडम मार्करम सिलेक्टिंग प्लेइंग 11। ऐसा ना हो मार्करम ही ना खेले। काव्या मरण दीदी को किसी ने समझाया होगा कि बस करो देवी माँ, बस करो, फॉरेन प्लेयर नहीं खिला सकते 4 से ज्यादा, वरना ये एक और टीम खड़ी कर देती फॉरेनर्स की, कि इंडियंस को तो रोज ही देखते हैं, हम पूरे फॉरेनर्स ही खिला लेते हैं। आईपीएल जो है, स्टार गॉट 24 करोड़, कमिंस गॉट 20 करोड़, हेड गॉट 6 करोड़, स्मिथ यू गाइस आर गेटिंग पेड, तुमको पैसा मिल रहा है? मुझे नहीं मिला। आरसीबी के अगेंस्ट लड़ाई तो कर लेगा ना स्टार, इसी बेसिस पे तो खरीदा है, 6 फुट से ऊपर है भाई, मारेगा अच्छे से। एसआरके भी लाइक जवान का पूरा प्रॉफिट स्टार को लेने का लगा दिया गौतिया, समझ रहे हो, जब लफड़े होंगे तो स्टार काम आएगा, उसको आगे कर देंगे। स्टार टू कमिंस, साला गरीब कहेगा। अगर कमेंट्स गरीब है ना भाई तो पाकिस्तान तो। गंभीर भाई कैमरे में देख के हाथ हिला दो, आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ। जिस हिसाब से आशु भाई चश्मे डाल के बैठे थे ना ऐसे टेढ़े करके, मेरे को लग रहा था किसी में टोपी जरूर पहनाएंगे और वो आदमी गौतम गंभीर होंगे, ये नहीं पता था। स्टार किन में, आई एम गोइंग बैक टू ऑस्ट्रेलिया टू प्रिपेयर फॉर वर्ल्ड कप, गंभीर साला। मेरे को लग ही रहा था भाई स्टार भाई धोखा देंगे, पर इस बार मेंटर जो है ना वो गौती भाई है, टांगे तोड़ देंगे अगर तुम भागे तो आधा मैच छोड़ के। वुमेन आफ्टर दे गेट द गाय नोन फॉर गिविंग मेंटल ट्रॉमा टू अदर्स वुमेन्स लाइक टॉक्सिक बॉयज, पर भाई तुझे कैसे पता एमआई पेज के लिए फेक फॉलोवर्स मैं बाय कर रहा हूँ। एमआई के पेज पे अगर तुम जाओगे ना तो तुमको बिना डीपी वाले लोग लाइन से नजर आने लगेंगे। आजकल लोग बोल रहे फेक फॉलोवर्स, क्या पता डीपी हटा दियो भाई दुख में सबने। अरे आरसीबी वालों जरा मेरा रिप्लेसमेंट दिखाना, जोसेफ। अगर तुम लोगों ने इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज टी20 सीरीज फॉलो करी है ना, जोसेफ को इतना मारा है ना, इतना मारा इंग्लैंड वालों ने। स्टीवन स्मिथ वॉज अनसोल्ड इन द फर्स्ट राउंड ऑफ ऑक्शन, भाई साहब जो फैब फोर बोलते हैं उसमें विराट भाई के अलावा तो कोई टी20 प्लेयर है ही नहीं, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं रहता तीनों में। 19 नवंबर इंडिया को रुलाया, 19 दिसंबर इंडिया को लूट लिया, 19 जनवरी तुम लोग हम बहुत कूटेंगे हरामजादे। सचिन, रविंद्र, राहुल गांधी's lives have one thing in common, exit polls and actual results are very different, भाई सबको लग रहा था कम से कम 8 से 10 करोड़ में जाएंगे सचिन रविंद्र, 1.8 सीआर में क्या बाय किया सीएसके ने, और ये बहुत अच्छा जाएगा, स्पिन भी कराएगा, बैटिंग भी करेगा, और क्या चाहिए था? अल्जारी जोसेफ को 12 करोड़ देने से तो अच्छा ही है। व्हेन धोनी सेज रविंद्र भाई की चाबी ला, वो धोनी भाई ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, पापा का पैसा फालतू में उड़ा दूंगी, इसको क्या ही पता चलेगा भाई, ये भी क्या लाइफ है ना, मतलब तुम्हारे कॉलेज के बाद दोस्त लोग 15-15 हजार 20-20 हजार की जॉब कर रहे हो और तुम यहाँ पे बैठ के पैट कमिंस 20 करोड़, मिचेल स्टार्क 25 करोड़ कर रहे हो। औरत अपने मनपसंदीदा मर्द को खरीदने के लिए दिल खोल के खर्चा करती है, ऐसा है क्या, ऐसी औरत तो मैं भी डिजर्व करता हूँ ब्रो। अनकैप्ड प्लेयर्स की प्राइस इंक्रीज कर राजस्थान रॉयल्स की 95% परचेस खाली करवा दिया, इस बार तो भाई ये टकलू अंकल फिर भी थोड़े शांत थे क्योंकि पिछली बार इनको एक दो पलटवार हो गए थे खुद ही पे। मिचेल स्टार्क क्या रे मंडली, भाई साहब ऑस्ट्रेलिया को हमने 100 करोड़ से ज्यादा बांट रखा है कुछ ही दिनों। आरसीबी मैनेजमेंट, भाई आरसीबी मैनेजमेंट जब हेजलवुड आया तो हाथ जोड़ रहे थे और जारी जोसेफ आया तो 11-12 करोड़ दे दिए, पता नहीं क्या ही फूक क्या है। खैर यार आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो और इस भाई को मत भूल जाना यार।